हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम फूड रेसिपीज़। आज हम घर पे ही मार्केट जैसा आइस कोला डिश बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही ईजी है। घर की बनी हुई आइस कोला डिश मार्केट की कंपेयर में काफ़ी हाइजीनिक भी होती है, तो इसकी सामग्री देख लेते हैं। आइस कोला डिश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल का सिरप लिया है, ये मैंने रोज़ सिरप लिया है, ये मैंने कच्ची कैरी का सिरप लिया है, ये मैंने ऑरेंज सिरप लिया है और ये मैंने चॉकलेट सिरप लिया है। आपको इन सारे सिरप की रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी और उन सब के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, ये मैंने थोड़े से चोको चिप्स लिए हैं, थोड़ा सा स्वीट मावा लिया है। गोला बनाने के लिए हमेशा स्वीट मावा ही यूज़ करें और इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थोड़ा सा सूखे नारियल का बूरा, थोड़ी सी टूटी फूटी, थोड़े से किशमिश, थोड़े काजू के टुकड़े और चेरी ली है मैंने गार्निश के लिए। तो सबसे पहले हमें बर्फ़ को क्रश करना होगा, तो मैंने उसके लिए एक गोला मेकर ले लिया है और मैंने एक प्लेट ले ली है जो मैं इसके नीचे रख दूंगी। अब ये मैंने पहले से ही बर्फ़ जमा लिया था और बर्फ़ जमाने के जो बाउल है वो इसके साथ ही आते हैं, तो अब मैं इसमें बर्फ़ डाल दूंगी। अब मैं इसके ऊपर लीड फिट कर लूँगी। ये आपको जो दिख रहा है ये हमें इसके अंदर फिट करना है, तभी ये बंद हो पाएगा और हमें थोड़ा ज़ोर भी लगाना पड़ता है। तो अब हम आइस को क्रश कर लेते हैं, तो ऊपर से हम क्लॉकवाइज इसे घुमाते जाएंगे तो बर्फ़ नीचे प्लेट में गिरता जाएगा। और ये आइस कोला मेकर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, या तो आप इसे ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा बर्फ़ क्रश करके इस प्लेट को इस तरह घुमा लेना है, जिससे कि सारा बर्फ़ क्रश होके एक ही साइड ना गिरता रहे। अगर बर्फ़ एक ही साइड गिरता रहेगा तो बाद में हम इस कोला को शेप नहीं दे पाएंगे। तो फिर से थोड़ी प्लेट घुमा लेंगे और इस तरह मैं सारा बर्फ़ क्रश कर लूँगी। इस तरह ऊपर से गोल क्लॉकवाइज घुमाते जाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा बर्फ़ क्रश हो चुका है, तो अब हम नीचे से प्लेट हटा लेंगे। अब इस कोला मेकर को भी हटा लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना ही बारीक बर्फ़ क्रश होके निकला है, तो अब हम इस तरह हाथों से इसे गोल शेप दे देंगे। मैंने इसे गोल शेप दे दिया है, तो अब हम इस पर पाइनएप्पल सिरप डालेंगे। मैं इसमें तीन कलर यूज़ करने वाली हूँ, इसलिए मैं साइड पे पाइनएप्पल का सिरप डाल रही हूँ। अब हम बीच में ग्रीन कलर यानी कि कच्ची कैरी का जो सिरप था वो डालेंगे। ये काम आपको थोड़ा फास्ट ही करना पड़ेगा। अब लास्ट में रेड कलर यानी कि मैं रोज़ सिरप डालूंगी। आप चाहे तो सिर्फ एक ही सिरप को पूरे गोले पे डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे अलग अलग डाले हैं। अब हम इसके ऊपर कंडेंस मिल्क डालेंगे। मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क थोड़ा कम डाल रही हूँ, आप चाहे तो इस गोले को पूरा कंडेंस मिल्क से भी कवर कर सकते हैं। तो अब कंडेंस मिल्क के ऊपर हम थोड़ी सी चोको चिप्स डालेंगे। चोको चिप्स के ऊपर थोड़ा सा हम चॉकलेट सिरप डालेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मावा ग्रेट कर लेंगे। आप इसमें स्वीट मावा ही यूज़ करें, उसी से गोला हमारा टेस्टी बनेगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये मावा भी मैंने ग्रेट कर लिया है और सारी चीज़ें हमें ज़रूरत के अनुसार यूज़ करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ के मेज़रमेंट नहीं दे रही हूँ। आप कुछ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और कुछ नापसंद हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इस मावा के ऊपर हम थोड़ा सा ऑरेंज सिरप डालेंगे। थोड़े से काजू डालेंगे। थोड़ी सी किशमिश डालेंगे। थोड़ी सी टूटी फूटी डालेंगे। थोड़ा सा सूखे नारियल का बूरा डालेंगे। अब हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा रोज सिरप और थोड़ा सा ग्रीन सिरप डालेंगे। तो ये थोड़ा सा रोज सिरप मैंने डाल दिया है। अब थोड़ा सा जो ग्रीन सिरप था कच्ची कैरी का वो इस पे डाल देंगे।
अब लास्ट में फिर से हम गार्निश के लिए थोड़ा सा सूखे नारियल का भूरा डालेंगे और बीच में एक चेरी रख देंगे गार्निश के लिए। तो ये हमारा बादशाही आइस कोला बनके तैयार है। आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर से ट्राई करें।